Newly elected members to the 13 Dima Hasao Autonomous Council were administered the oath of office on Friday. 28 elected members of the Autonomous Council took oath in various languages of their choice. The Deputy Commissioner of Dima Hasao, Simanta Kumar Das, officiated the proceedings held at Puthibaral District Library Auditorium in Haflong. Principal Secretary of Dima Hasao Autonomous Council, TT Daula Gupa, SP, Dima Hasao Mayank Kumar, Dima Hasao District BJP President Golan Thausen were also present on the occasion. Apart from elected members, Chief Executive Member Debolal Garlosa and former CEM Niranjan Hojai took oath. On 21st January next, Chairman of the Council would be elected, but in all likelihood, the winner of Maibang West seat, former CEM Mohit Hojai, is likely to be elected. Speaking to the media, CEM Debolal Garlosa informed that since they have won 25 out of 28 seats, the chairman would be elected unopposed. और कल तक हम लोग चेयरमैन हम लोग का इलेक्ट हो जाएगा उसका बाद में सेकंड स्टेप होगा सीएम उसका बाद में हम लोग प्रपोजल भेजेगा उसका बाद में गवर्नर अप्रूव करेगा कल चेयरमैन होगा उसका बाद में हम लोग यहां से एंटी डिविजन लॉ लागू हो गया ना उसी हिसाब से पार्टी का तरफ से हम लोग पार्लियामेंट्री में इसको ही लेदर बनाएगा बोल के हम लोग भेजने के बाद में गवर्नर अप्रूवल देगा तब हो जाएगा हमारा हिसाब में तो ज़्यादा से ज़्यादा 26 जनवरी का आगे तो बुशु का आगे तो होना चाहिए और आशा है होगा बोल प्रपोज हम लोग आसमें बात करेगा शाम में मालूम हो जाएगा वो भी हो सकता नहीं होता वो बोल नहीं सीनियर भी है और सीएम होके तो ईएम होना भी थोड़ा सा एक होता है ना एक मैंने प्रोटोकॉल का भी होता है नहीं होता वो बोलने वो भी दूसरा भी नहीं हो सकता है लेकिन आज में डिस्कशन हो जाएगा शाम में हाँ वो तो अनुपस्थित होगा कांग्रेस तो है ही नहीं इलेक्शन का सवाल ही नहीं है कोई है ही नहीं कांग्रेस फ्री ना हम पहले भी बोला आज तक काउंसिल मिला 1952 का बाद में इलेक्शन होते होते में कांग्रेस जीत जीत के आया लेकिन हम बहुत खुश लगता है कि कांग्रेस इस पर एक भी नहीं जीता और कॉन्टेस्ट में भी नहीं आया जो आया वो भी इंडिपेंडेंट वाला उसके हम लोग कॉन्टेस्ट में आए ऑपोजिशन लोगों हम लोग काम करने वाला को अच्छा देखो अच्छा जो हम लोग काम करता है उसको देखो सीखो और आस्ते आस्ते आएगा वो लोग को भी क्योंकि दिमाग हासाओ का सबको शांति डेवलपमेंट चाहिए तो इसीलिए आज का दिन में ये कांग्रेस का हालत हुआ है क्योंकि आगे में देखिए पुराना जमाना में हम लोग एक साथ सब लोग एक साथ मिलजुल के रह रहा बीच में कांग्रेस सरकार ने पूरा उस सबको झगड़ा जाति डेवलपमेंट नहीं कुछ भी नहीं तो ऐसा होके कांग्रेस का ये हालत होने पा रहा है अभी हम लोग शांति डेवलपमेंट और आगे एक साथ यूनिटी लेके हम लोग काम करेगा और ये सब करना चाहिए कांग्रेस अगर ऐसा करेगा तो 20 साल बाद में फर्स्ट दोस्तों काउंसिल में इलेक्टेड बन सकता है और हम लगता है कि आने वाला इलेक्शन जो भी इलेक्शन में कांग्रेस SMRP जीरो होते जाएगी नहीं वो तो हम लोग आज में ये हुआ है जस्ट ओवरटेकिंग हुआ है वो पार्टी में डिसाइड करेगा और तीन इंडिपेंडेंट है तीन इंडिपेंडेंट को भी बाद में हाई कमांड में पार्टी में बातचीत करके हम लोग डिस्कशन करेगा।